अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का आसिया किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चना चटपटी। तो हमने 500 ग्राम चना ले लिया, उसे 3 से 4 घंटा पहले भिगाकर हमने अच्छे से रख दिए। तो हमारे चना अच्छे से भीग गए हैं। तो अब हम ले लेते हैं एक कुकर, सारे चना को हम डाल देते हैं कुकर में। इसमें हम डाल देंगे प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर और 1 मीडियम साइज का आलू हम छिलकर अच्छे से धोकर काट लिए हैं, इसे डाल देते हैं। 3 से 4 चम्मच तेल, ये सारे चीजों को डालकर अब हम डालने के बाद हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब हम फटाफट से ढक्कन बंद करके गैस पर रख देते हैं 3 से 4 सीटी लगाने के लिए। कुकर का ढक्कन खोलकर देख लेते हैं हमारा चना अच्छे से गला है कि नहीं। तो बहुत अच्छे से हमारा चना गल गया है। तो सारे को हम अच्छे से अब मैश कर देते हैं। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, एक मैं आपको नहीं बताई थी लेकिन आप टमाटर भी डाल सकते हो। ये सारे को आलू को अच्छे से मैश कर देंगे हम। तो बस हमें इसी तरह चाहिए, 1-2 आलू हम ऐसा खड़बचड़ा रखेंगे ताकि हमें खाने के टाइम अच्छा लगेगा। तो फटाफट से एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तैयार है यहाँ चना चटपटी। अब इसमें हम डालते हैं प्याज। आप ऐसा बनाकर खाओगे हमेशा मुझे याद करोगे, क्योंकि ये बहुत लाजवाब और बहुत टेस्टी बनता है ये चना चटपटी। अब इसमें हम डालेंगे पर्ल, समोसे की पट्टी की पर्ल। और थोड़ा सा हम ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, ठेला वालों के जैसा चाट मसाला डालकर हम चना चटपटी बना रहे हैं। आप ज़रूर तृप्ति कीजिएगा।